सुनो, हाई कमांड से फ़ोन आया है, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। बॉर्डर पर बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है, आज ही जाना पड़ेगा शाम वाली ट्रेन से। आज ही तो आए हो, पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और जाने की बात कर रहे हो। अरे अब क्या कहें, हाई कमांड का ऑर्डर है। अच्छा, नाजिया कहीं गई है क्या? आ रही होगी, कुछ सामान लेने दुकान भी जाए। लो अम्मी, आपका सामान ले आई। अब्बू, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, बॉर्डर पर फिर एक बार जंग छिड़ गई है। अब हमारी नौकरी ही ऐसी है, कभी भी बुलावा आ सकता है। जानते हो बेटा, दूसरों और हमारी नौकरी में फर्क क्या है? क्या पापा? सब वेतन के लिए काम करते हैं और हम लोग वतन के लिए काम करते हैं। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। अम्मी का ख्याल रखना, उन्हें परेशान ना करना और स्कूल रोज जाना, ठीक? मैं जब वापस आऊँगा तो आपको एक न्यू साइकिल दिलाऊँगा, ठीक है? Somewhere in Pakistan. इंशाअल्लाह, खुदा के रहम व करम से हमें इस 15 अगस्त को इन काफिरों को जहन्नुम पहुंचाने का मौका मिला है। हाँ जफर भाई, आप सही बोल रहे हो, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैन सर, कैप्टन खान रिपोर्टिंग। एट ईच कैप्टन खान। कैप्टन खान, अपनी पूरी बटालियन को चौकन्ना होने के लिए बोल दीजिए। इस बार इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है बहुत पुख्ता है, कभी भी घुसपैठ हो सकता है। जी सर। कैप्टन खान, वायरलेस पर मैसेज आया है, घुसपैठ की हलचल दिख रही है, आप कंपनी को माउंट करने का ऑर्डर दीजिए अभी तुरंत। जी सर। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ के तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ के तड़पन है। पूरा करके चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कोई हरकत नहीं करेगा, नीचे बैठ जाओ। अरे ओ खान, तू अपने ही मुसलमान भाई को मार रहा है, खुदा तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। अरे जफर, तू क्या सोचता है, मैं तुझ जैसा हैवानियत फैलाने वाला मुसलमान हूँ? मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और एक सच्चा देशभक्त भी हूँ।
और खुदा का नेक बंदा हूँ और उस खुदा की इंसानियत का पैगाम भी जानता हूँ। और अगर मैं आज शहीद भी हो गया तो मुझे फ़ख्र होगा, क्योंकि मैं अच्छे कर्म करके आया हूँ और मैं उस खुदा के दर पर फ़ख्र से अपना सर उठा सकूँगा। आज हमने इन घुसपैठियों से तो विजय प्राप्त कर ली, पर एक काबिल सिपाही कैप्टन खान को खो दिया। ये देश तुम्हारी शहादत को कभी नहीं भूल पाएगा। बोलो ना खान भाई, खान भाई। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो बच्चों, आज हम लोग तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है ना, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो चलो हम लोग तिरंगा बनाते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, तिरंगे में कितने कलर होते हैं? तीन। वेरी गुड, तीन कलर होते हैं। नहीं मैम, पांच। कौन बोला पांच? कहाँ जाती हो कोचिंग? हमारे पास नहीं पढ़ती ना, इसीलिए सब उल्टा फुल्टा सीख के रखा है। चलो अब वहां जाके हैंड्स अप कर लो। ओके साइलेंस। चलो नाजिया बताओ, कौन से पांच कलर होते हैं? मैम पहला कलर सैफ्रॉन, जो बलिदान सैक्रिफाइस का प्रतीक है। दूसरा कलर वाइट, जो शांति पीस का प्रतीक है। तीसरा कलर ग्रीन, जो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि का प्रतीक है। और चौथा कलर ब्लू, जो कि हमारे अशोक चक्र का कलर है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पांचवा कलर कौन सा है? पांचवा रंग तिरंगे का वो लाल धब्बा। जब मैंने अपने अब्बू को आखिरी बार देखा था,
वो तिरंगे में लिपटे हुए थे जिस पर वो लाल रंग का धब्बा था। वही है तिरंगे का पांचवा रंग। वो रंग थोड़े ना, वो तो खून होगा। हाँ हाँ था वो खून, मैं उसे ही तिरंगे का पांचवा रंग मानती हूँ। मैं नहीं भूल सकती तिरंगे के उस पांचवे रंग को, नहीं भूल सकती मैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तिरंगे का पांचवा रंग, ये वो खून है जो हर एक सिपाही का है जिन्होंने अपने वतन के लिए शहादत दी। ये वो खून है जो हर एक पिता का है जिसके बेटे और बेटी बड़े ही गर्व से सर ऊंचा करके अपने पिता की शहादत को दुनिया को बताते हैं और खुद भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। ये वो खून है जो हर एक पति का है जिसकी पत्नी अपने पति की वीर गाथा को बिना आंसू टपकाए लोरी रूप में अपने बच्चों को सुनाती है और अपने बच्चों को भी वीर जवान बनाने का सपना देखती है। ये वो खून है जो हर एक सिपाही का है जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए, वतन की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अंत समय में उसी तिरंगे में लिपट कर अपने घर तक वापिस आते है। हम भुला नहीं सकते इस पांचवे रंग को। भारत माता की जय।